पांचवे अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ कर ली है, जहाँ पर कि ये पहले हमने कर्मयोग तृतीय अध्याय में किया, चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग यह हमने कर लिया, और अब यहाँ पर आएगा कर्म संन्यास योग। यह मानो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को धीरे धीरे कर्म संन्यास योग की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। ज्ञान कर्म पहले कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, और फिर कर्म संन्यास योग। यह मानो विविध प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरते हुए, अतिक्रमण करते हुए अंत में वह कर्म संन्यास की ओर जीव प्रगति कर सकता है। कर्मयोग तो मानो उसमें हम विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं, जितना अधिक हो सके निस्वार्थता और अनासक्ति का उससे कूट देते हैं, भगवत समर्पित बुद्धि से और या फिर अनासक्ति से करते हुए हम कर्म को पूजा के रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। यह मानव कर्म पूजा चालीस साथ में जाती है, साथ में ही जाती है। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में यह कहा गया कि ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए उस कर्म को योग में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना, यह ज्ञान कर्म संन्यास योग। और फिर उस परिस्थिति में हम जाते हैं जहाँ पर कर्म ही संन्यास बन जाता है, कर्म और संन्यास में कोई भेद नहीं रह जाता, जिसे हम लोगों ने कहा था कि रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने उस संन्यास को समझाते हुए कहा था कि कर्म और यह पूजा, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, वर्क एंड वर्शिप गो टुगेदर। हमेशा हमें नियमित रूप से अपनी साधना करनी होगी। गुरुदेव ने जिस प्रकार से हमें उपासना में बताया है, मंत्र जाप करना, उपासना करना, यह अति आवश्यक है। दिन में कम से कम दो बार करना चाहिए। कई लोग फिर बाद में उसमें अपने आप, गुरु ने कहा था दो बार, अपने आप उसको एक बार कर लेते हैं। बोले दो बार कहा था, एक बार तो कम से कम कर लिया। और कुछ लोग कहते भी एक बार तो करते हैं पर कभी कभी छूट जाता है, और कुछ लोग और भी ऐसे हैं जो बोले कभी कभी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने मंत्र भी भूल गए क्योंकि कई साल से किए ही। ऐसे विविध प्रकार के साधक, परंतु नियमित रूप से दो बार करना होगा तो उसके लिए आवश्यक है हम नियमित रूप से चार बार करें। चार बार करने से क्या होगा, कभी कभी यदि एक बार दो बार छूट जाएगा तो कम से कम दो बार रह जाएगा। किसी मंत्र दीक्षित भक्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि भाई कभी कभी छूट जाता है, लोग एक दो बार में एक बार तो हो जाता है पर एक बार अधिकांश से छूट जाता है, क्योंकि इतना अधिक काम है और व्यस्तता रहती है, फिर बाद में समय का अभाव रहता है। मतलब ठीक है, तो ऐसा करो कि जब 50% इफिशियंसी से मशीन काम करता है तो डबल कैपेसिटी का मशीन लाना चाहिए। तो क्या करो, चार बार उपासना करो, उसमें से छूटते उछूटते दो बार छूटेगा, तब दो बार रह जाएगा। सुबह उठ करके तुरंत बिछाने पर बैठे बैठे 108 बार जप करो, फिर नहाने धोने के बाद जैसा गुरुदेव ने कहा, फिर शाम को आप वापस ऑफिस से काम करके वापस लौटे तब उसने 108 बार जप करो, या फिर उपासना करो, फिर रात को सोते समय फिर 108 बार जप। तो चार बार जप करने का यदि मन में ठान लिया तो 50% इफिशियंसी है हमारी, तो कम से कम दो बार हो जाएगा। अब पहले से दो बार का कर गया, फिर बाद में एक बार हो गया, तो एक बार का आधा बार हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो कुछ भी हो, कहा ब्रह्मानंद जी महाराज ने, वर्क एंड वर्शिप शुड गो टुगेदर, काम और पूजा एक साथ बनना चाहिए। ऐसा करते करते ऐसी अवस्था आ जाएगी व्हेन वर्क एज वर्शिप हो जाएगा, वर्क एज वर्शिप, कार्य को पूजा के रूप, कार्य ही पूजा मानो है, उस प्रकार का भाव आने लगेगा। एक दिन में नहीं आएगा, दो दिन में नहीं आएगा, निस्वार्थ भाव से अनासक्ति को लाते 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 ऐसा होगा जब वो लगेगा कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं
अभी तक तो हमको ऐसा लगता था, अभी तक तो क्या लगता था कि पूजा भी कार्य है, पूजा कार्य है, पूजा भी एक कार्य बहुत बड़ा काम है। सुबह से 2 घंटा पूजा करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्या करे इतने सारे देवी देवताओं की छवि, अब लाने को तो लाया, जहाँ जहाँ से लाए वहां से एक देवी देवता की छवि, कभी कुछ मूर्ति यहाँ से मिला वो वहां से शिवलिंग उठा के लाया, अब उसको पुष्प देते देते सबकी पूजा करते करते 1 घंटा हो जाता है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, पूजा तो करनी पड़ेगी, क्या करे इतना सारा देवी देवता का पूरा एकदम म्यूजियम बना दिया, पूजा करने तो करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे लिए पूजा भी एक कार्य है जिसको कैसे भी करके निपटाना है, पर हमें ऐसा करना है प्रयत्न कि कार्य भी पूजा बन जाए, ये द्वितीय स्थिति। और तृतीय स्थिति ऐसी है, वर्क इज वर्शिप, सचमुच में कार्य ही पूजा बन जाएगा। तो यह कर्मयोग, ये मानो वर्क एंड वर्शिप, ज्ञान कर्म संन्यास योग 4th अध्याय, ये मानो वर्क एज वर्शिप, और कर्म संन्यास योग या कर्म ही संन्यास के लिए हमें सीधा उपयुक्त पाठ पत्र बना देता है, वर्क इज वर्शिप, ये मानो उच्चतम अवस्था। यहाँ तक अर्जुन को ले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को माध्यम करके बताते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि यस्य यम, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि यस्य यम तन्ने ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। तृतीय अध्याय ने भी यही प्रश्न किया अर्जुन ने, पर उसमें थोड़ा सा अंतर था, उसने कहा कि आप मेरे को मारो कंफ्यूज कर रहे हैं, आप मेरे मन को दुविधा में डाल रहे हैं, कभी ज्ञान की बातें कहते हैं, द्वितीय अध्याय में ज्ञान की भी बातें की, कर्म की भी बातें की, और फिर अंत में कहा कि अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो जा, क्योंकि खबर चकरा जाता है, अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी बोलते ज्ञान और इतना बड़ा स्थित प्रगति अवस्था और फिर कहते युद्ध कर, तो आप मानो मुझे यहाँ पर मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, अर्जुन कहता है तृतीय अध्याय, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ये नहीं कर आप भ्रमित हो रहे हैं, बोले मैं ही भ्रमित हो रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, मुझे अब संदेह हो रहा है कि कौन सा पद लेना चाहिए, आप मुझे सुनिश्चित करके एक पद जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्यों, अब ये बात तो समझ गया, ज्ञान और कर्म दोनों इंडिपेंडेंटली, दोनों उस परम सत्य पर हमको ले जा सकते हैं, योग तक ले जा सकते हैं, परम पद की प्राप्ति करा सकते हैं। अब अर्जुन की वो द्विधा चली गई जो द्वितीय अध्याय है इसके समय थी, भाई इसमें कौन सा अच्छा है, अरे दोनों अच्छे हैं, दोनों उस परम सत्य की ओर ले जाएंगे, दोनों रास्ते अच्छे हैं। अर्जुन कहता है ये तो मैं समझ गया दोनों रास्ते अच्छे हैं, पर मेरे लिए क्या अच्छा है तो बताइए, अब फिर से मैं इस प्रकार से भ्रमित हो रहा, आप मुझे नहीं भ्रमित कर रहे, तो मैं ही खुद ही भ्रमित हो रहा हूँ, चकरा जा रहा हूँ, क्यों, इसके पहले सारे उसने कहा अज्ञात कहा कि श्रद्धावाद नहीं ज्ञान है न सदृशम परिक्रमीय विद्यते तत्वयम योग संसिता काले नात्मनि विद्यते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति इंद्रिय ज्ञानम दब्वा परम शांति नतिरेणादि गच्छति। ज्ञान मिलने से एकदम परम शांति मिल जाएगी और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। और फिर लास्ट ने कहा तस्मात अज्ञान संबुदम विस्तम ज्ञानासीना चित्तन संचय योगम आपकी स्तुति से भारत। इसलिए है अर्जुन सब संशय को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यदि कोई डॉक्टर बोले कि भाई देखो करेला बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, ऐसा पूरा करेला के बारे में पूरा प्रवचन के बाद में बोले, परंतु अब आज से करेला खाना बंद करना और जलेबी खाना रोज, अरे पूरा प्रवचन हुआ करेला के ऊपर में, करेला खाना बहुत अच्छा है पर तुम रोज जलेबी खाना। अर्जुन को ऐसे ही लग रहा है अभी तक कहा ज्ञान की इतनी सब महिमा गई, बोले चल और ज्ञान की महिमा के बाद उठ गया कर्म में लग गया, चकरा गया अर्जुन। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि, एक आप कर्मों के संन्यास की बात करते हो, फिर निष्काम पदों की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। मेरे लिए क्या कल्याणकारक, मेरे को मैं खुद चकरा जाता हूँ, आप मुझे कल्याणकारक हो वही बताइए। फिर भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निश्चय करा हो,
तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मों का संन्यास निष्काम कर रही है, ये दोनों ही परम कल्याणकारक है। मैंने पहले भी बताया था, श्री कृष्ण भगवान ने कहा दोनों ही परम कल्याणकारक है, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारक। तू परंतु तयो उन दोनों में कर्म संन्यासात कर्मों के संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, निष्काम कर्म योग साधन में यह श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है, तो उसके हमने कुछ कारण दिए थे। क्यों भगवान श्री कृष्ण कर्म योग को कर्म संन्यास की अपेक्षा ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं, और जहाँ जहाँ योग शब्द है वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कर्म योग। यदि ज्ञान योग की बात कही जाए तो अलग बात है, ज्ञान योग की बात कही जाए तो अलग बात है। जहाँ जहाँ केवल योग शब्द वहाँ पर जब बताया गया श्री भगवद गीता में, उसका मतलब हमें कर्मयोग ले लेना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट होता है कंप्यूटर में, बाय डिफॉल्ट आज अपने आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग यही है, यहाँ योग शब्द आया तो बाय डिफॉल्ट मीनिंग यही कर्मयोग। तो यह कहा कि निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है, पहली बात तो ये सुगम है, कर्म योग करना हम लोगों के लिए सुगम है। परंतु पूरा का पूरा ज्ञान की निष्ठा हमारे जीवन में लाना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहाँ से बम्बई जाना हो तो ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं, बस के द्वारा जा सकते हैं, फ्लाइट के द्वारा भी जा सकते हैं, दिन में दो फ्लाइट मिलती है। तो हम कौन सा रास्ता लेंगे, अर्जुन पूछता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरे लिए बस में जाना या ट्रेन में जाना ही श्रेष्ठ है, फ्लाइट से जाना श्रेष्ठ है। पर फ्लाइट से जल्दी पहुंचना पर रुपया ज्यादा लगेगा, पर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला तो बस में चले जाओ। क्यों, सुगम सस्ता है, ये कठिन है, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, ज्ञान योग के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। अचानक सबसे त्याग होता नहीं है। तो कर्म योग करना एक साधारण मनुष्य के लिए अधिक सरल है ज्ञान योग की अपेक्षा, यह कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान। एक तो यह कारण, दूसरा कारण यह है कि एमए की डिग्री लेना बहुत अच्छा है, एमए विथ इंग्लिश होने से बहुत मजा आ जाएगा, तुरंत उसके बाद एमए का इंग्लिश हो गए तो सबको इंग्लिश पढ़ाएंगे। अभी कौन सी क्लास में हो, तो अभी सातवीं हो, अरे भैया पहले मैट्रिक पास कर, फिर बाद में बारहवीं, उसके बाद में फिर ग्रेजुएट बन गए, उसके बाद में एमए की बात करना, बोले नहीं मैं एमए पास करूंगा। उसी प्रकार अर्जुन बोलता नहीं मैं एकदम से कर्म संन्यास करके भिक्षु हो जाऊंगा, अरे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं सब लोगों को देख लूंगा और अभी बोल रहा मैं भिक्षुक बन जाऊंगा। मैट्रिक पास कर पहले, ट्वेल्थ पास कर, ग्रेजुएशन कर ले, फिर एमए इंग्लिश की बात करना। तो बात यह है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही उस परम सत्य तरफ ले जाते हैं, और ज्ञान योग की निष्ठा वो इतनी सरल नहीं है। ज्ञान योग के लिए कौन योग्य उपयोगी, कौन योग्य पात्र है, उसने वेदांत सार ने बताया कि जो ज्ञान योग का अधिकारी कौन बन सकता है, ज्ञान योग की साधना कौन कर सकता है। साधना के प्रारंभ में ही उसके पास चार वस्तुएं चाहिए, क्या, नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य क्या है, दोनों के बीच में विवेक बुद्धि चाहिए, जो नित्य और अनित्य के बीच में भेद समझ सके, नित्य क्या है अनित्य क्या है ऐसा समझने वाली विवेक बुद्धि चाहिए। फिर इह अमूत्र फल भोग राग विराग, इह और अमूत्र, पृथ्वी में जितने प्रकार के सुख जितने मिलते हैं, मर्सिडीज बेंज कार में घूमना, इधर करना उधर जाना, विदेश में घूमना और अच्छे से लेटेस्ट ड्रेस पहनना, जो कुछ भी सुख सामग्री, जितना सुख सामग्री यहाँ मिल सकता है पृथ्वी में वो, और फिर इसके अलावा पृथ्वी के अलावा जितने लोग होंगे उन सब में जितना भी सुख मिल सकता है, वो सब सुखों की प्राप्ति का आशा या प्राप्ति की इच्छा को त्याग करना वैराग्य। इया मूत्र फल भोग राग विराग, फल उसको प्राप्त करना और उस
उसके फल को प्राप्त करना, उसके प्राप्त करने की इच्छा करना, उसका त्याग करना वैराग्य, यह वैराग्य उसमें होना चाहिए। सभी प्रकार के भोगों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। इतने से नहीं होगा, मुमुक्षुत्व, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, जंजीरों को तोड़ने की इच्छा, हम सभी कैद खाने में, जब वहां पर अभी आजकल सब जेलों में जाना हो रहा है, प्रिजन रिफॉर्म वर्क हमारा चल रहा है, तो सब जगह वहाँ पर कैदियों के साथ बातचीत होती है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि आप लोग कैद खाने में हैं, आप दुखी हम समझ सकते हैं, पर हम लोग भी कैद खाने में हैं। यही इतना अंतर इतना ये है कि आप लोगों को पता है कि आप कैद खाने में हैं, हमको पता नहीं कि हम कैद खाने में, हम सभी संसार रूपी कैद में बंद है, माया रूपी बंधन से जकड़े हुए हैं, पर हम लोगों को पता नहीं है कि हम कैद खाने में, हम सभी कैद खाने में, और आपको आपको छूट जाएंगे 6 महीने बाद, 1-2 साल बाद, हम लोग को छूटने का कोई उपाय अभी नजर नहीं आ रहा है, बहुत लंबी कैद की सजा है आपको, तो मान लो जन्म टिप भी होगी, एक जन्म के लिए, हमारे तो जन्म जन्म के लिए, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहो पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल भज। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर वो भजन लिखा, पुनरपि जन्म, ये ऐसा कैद खाना है, एक जन्म का कैद खाना नहीं है, बारम्बार जन्म लेना पड़ता है, इसमें से मुक्ति नहीं है। तो हमने कहा हम भी कैद खाने में, तो मुमुक्षुत्व होना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, जंजीरों को तोड़ देने की इच्छा, ये होना चाहिए। इससे भी नहीं होगा, और चौथी बात चाहिए, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, और चौथा होना चाहिए, खूब सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ का मकान, वो मकान, ये जमीन, वो नहीं, ये प्रॉपर्टी जो संपत्ति है, 6 प्रकार की संपत्ति, जो साधक ज्ञान मार्ग की साधना करना चाहता है उसके लिए 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। कौन कौन सी 6 प्रकार की संपत्ति? श्रम, दम, उपरति, दीक्षा, श्रद्धा और समाधान। श्रम माने मन को शांत करने की योग्यता, दम इंद्रियों को दमन करने की योग्यता, उपरति मन को अपने केंद्रीभूत स्थिति में वापस आने की क्षमता, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब सहन नहीं, सहन करना नहीं। आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, तितिक्षा का मतलब होता है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए सहन करना, ये है तितिक्षा। अरे बाबा रे कितनी गर्मी है, ये इतनी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी, क्या गर्मी है, सहन तो कर रहे हैं पर मुंह से इतना सारा बोल रहे हैं, हाय क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब, ये क्यों इतना गर्मी पड़ता है, ये भी कैसा है। इस प्रकार से हम लोग बहुत प्रकार का दुख प्रकट करते हुए सहन तो कर ही लेते हैं, क्या करेंगे, सहन तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि सहन नहीं करते, रोते रोते सहन करते हैं और बहुत प्रकार का प्रतिकार करते करते सहन करते हैं, अप्रतिकार पूर्वकम, तब वो तितिक्षा हो गई, तब वो तितिक्षा हो गई, ठीक है, जो है उस परिस्थिति में आनंद शुरू करो। गर्मी के दिन में गर्मी आएगी, ठंड के दिन में ठंडी आएगी, बरसात आएगी तो बरसात आएगी, सीजन चेंज होती रहती है, मीन इफेक्ट है, इधर है, हम लोगों ने पेड़ काटा तो उसका फल तो हमको भुगतना पड़ेगा, पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया तो खुद भुगतना पड़ेगा, भुगतने हंसते हंसते भुगतने, तो ये प्रतीक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए, ऐसे तो सहन कर लेती है, साथ जो कुछ भी बोलती बहु सहन कर लेती है, वो तितिक्षा नहीं है। कई कई लोगों ने कहा कि देखो भाई वो उसकी जो वहां की जो सास, वो जो बहू है वो बहुत सहनशील है, क्यों, हमको आवाज केवल सास की आती है, इतना डांटती जोर जोर चिल्लाती है, पर सामने से कोई आवाज नहीं, सामने से कोई आवाज नहीं, पर एक दिन पड़ोसी ने जाग करके देखा, बात क्या है, इतनी सहनशीलता, इतनी तितिक्षा है इस बहू में, इतनी सहनशीलता है, वो सास इतना चिल्ला रही है
इतना गुस्सा कर रही है पर इसका कोई असर नहीं। बाद में जाके देखा माजरा क्या है, वो बोल कुछ नहीं रही है, झाड़ू उठा उठा करके सांप को दिखा रही है, वो तितिक्षा नहीं है, अप्रतिकार पूर्वकम नहीं हुआ, वो प्रतिकार कर रही है, झाड़ू उठा रही है सांप के सामने, मुंह से कुछ नहीं बोल रही, पड़ोसी वालों पड़ोसी वाले लगता वो कितनी अच्छी है, एकदम तितिक्षा वाली है, सब सहन कर रही है, सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम तितिक्षा। तो श्रद्धा, श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। अंतिम बात है समाधान, मन को समाहित करने की क्षमता। इतनी छह प्रकार की संपत्ति हो, फिर मुमुक्षुत्व हो, फिर विवेक हो, फिर वैराग्य हो, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, साधक बनने के। फिर उसके बाद साधना करो और पथ कैसा है, सुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। कवियों ने ऋषियों ने कहा है यह पथ अत्यंत कठिन है, कितना कठिन है, छुरे की धार पर चलने लगे उतना कठिन है, ये ज्ञान का मार्ग। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यपि वो ज्ञान का मार्ग भी, कर्म संन्यास का मार्ग भी तुझे उस परम स्थिति में ले जाएगा, अभी भी उसकी योग्य नहीं बना, तेरे लिए कर्म योग ही ठीक है, तू कर पहले कर्म योग। इसलिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसी, जब अर्जुन ने कहा था तथा संन्यासम कर्म योगश्च निशेष करागुहो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? पहली बात, वो ज्यादा सुगम है, लेन में जाना बहुत अच्छा लगता है पर पैसा ज्यादा लगेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, ज्ञान मार्ग से जल्दी चले जाएंगे पर कीमत चुकानी पड़ेगी, कठिन है। दूसरी बात है, केवल सरल है ये बात नहीं है, दूसरी बात है कि जब तक हमने कर्म योग नहीं किया तब तक कर्म संन्यास का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, मैट्रिक पास करना ही पड़ेगा, फिर बाद में 12th पास करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन पास करना ही पड़ेगा, तब जाकर के एमए के डिग्री में आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद एडमिशन नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार से अर्जुन दोनों बराबर है, एमए करना भी ठीक है पर अभी तो एमए करने के योग्य नहीं है, पहले मैट्रिक पास कर ले, कर्म योग करते करते जब चित्त शुद्धि हो जाएगी, चित्त शुद्धि जब होगी तब तेरी ऐसी स्थिति आएगी, तब तू जाकर के कर्म का संन्यास करना, अभी कर्म योग कर। इसलिए भी और एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कर्म योग, वह इसीलिए उदाहरण के रूप में वो स्थिति पर पहुंच गए, उन्होंने पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए भी कर लिया, वो चाहे कभी वो कर्म संन्यास कर सकते हैं, कर्म संन्यास की स्थिति उनकी हो गई है, फिर भी वे कर्मयोग करते हैं। क्यों? यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवी सरोजना, ये अर्जुन जैसा आचार्य लोग, बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं उसके नीचे देखने वाले उससे ही सीखते हैं। यदि मैं तो सबसे परे हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे तो मेरे लिए तो कोई प्राप्त करे या कुछ है ही नहीं, मैं तो सबका भगवान हूँ, फिर भी मैं काम करता हूँ। क्यों? मुझको देख करके सब लोग सीखेंगे, इससे मैं भी कार्य में प्रवृत्त हूँ, तो तेरी क्या बात है, तुझे भी कार्य करना पड़ेगा, मैं भी कार्य कर रहा हूँ, तुझे भी करना पड़ेगा, तो इसलिए भी कर्म योग करना पड़ेगा। तो कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग क्यों कहा? यह नहीं है कि कर्म त्याग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा हम उस सर्वोच्च स्थिति पर नहीं पहुंच सकते, परंतु अभी हम अर्जुन की स्थिति में भी हम हैं, हमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम अर्जुन की स्थिति में ऊपर हो गए तो ठीक है, तो आपके लिए अलग बात है, हम लोगों के लिए जो साधारण लोग हैं, साधारण जीव हैं अर्जुन के समान, उनके लिए कर्मयोग ज्यादा महत्व का। क्यों? अभी पहले सातवीं कक्षा पास करना पड़ेगा, फिर रहने की बात करते हैं। एक दूसरा, चित्त शुद्धि अभी नहीं हुई है, पहले चित्त शुद्धि होगी तब हम उसकी योग्यता को प्राप्त करेंगे, हमारे पास बीए का सर्टिफिकेट होगा तब जाकर के एमए में एडमिशन होगा। नंबर तीन, ये सुगम है, वो पथ अत्यंत कठिन है और यह सरल है। क्यों? उसमें गिरने की संभावना है, मानो हिमालय में चढ़ने समान है, कब गिर जाओगे कुछ सीख लेंगे, इतनी कसरती सकरी सब पगडंडियां आती है,
छोड़ने से पिछले सीधे 10,000 फीट 15,000 फीट नीचे खाई में चले जाते हैं। बर्फ जब गिरती है खास करके स्नोफॉल बहुत भयानक, तो उस समय जितना भयानक उससे ज्यादा भयानक है यह ज्ञान मात्र चलना। और एक बात है, कुछ लोगों ने उन सबको प्राप्त कर लिया, उस परम स्थिति को प्राप्त कर लिया, फिर भी केवल दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यदि मैं कार्य करना बंद कर दूं तो सारा विश्व रुक जाएगा, सारी पृथ्वी का कार्य रुक जाएगा, इसलिए मैं भी अवैध कार्य करता हूं तो अर्जुन तू भी कार्य कर। तो यह मानो एक उनको उदाहरण के लिए सर्वेंट लीडरशिप इसी को कहते हैं, अपने उदाहरण के द्वारा दूसरे लोगों को प्रेरित करना कि तुम भी मेरे समान करो, यह आवश्यक इसलिए दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करना, यह भी एक इसी के लिए, इसके लिए भी जिन लोगों को यह स्थिति प्राप्त है कर्म संन्यास तक वो पहुंच चुके हैं फिर भी वे कर्म योग करते हैं, दूसरों को उदाहरण देने के लिए प्रेरित करने के लिए। और एक कारण है वो कारण है महत्तम कार्य, जहाँ पर कि वह कुछ ऐसे इले गिरे चुने हुए लोग रहते हैं, अब उनको विज्ञानी अवस्था कह दें, श्री कृष्ण भगवान की बात, भगवान श्री रामकृष्ण के की डिक्शनरी के अनुसार, भगवान श्री रामकृष्ण के कथन के अनुसार जिनको वे विज्ञानी कहते थे, वो विज्ञानी मैंने साइंटिस्ट नहीं, विज्ञानी ये उनकी एक विशेष परिभाषा थी, वे कहते थे अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जिसने केवल दूध के बारे में सुना है, देखा नहीं, ईश्वर के बारे में सुना है, ईश्वर का दर्शन नहीं किया। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जिसने दूध को देखा है, अपनी नजर से देखा है, यानी वह है जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने दूध को देखा है। विज्ञानी कौन है? जिसने न केवल ईश्वर, न केवल दूध को देखा है पर दूध को चखा है, न केवल ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर का आस्वादन लिया है, वह विज्ञानी की अवस्था, अत्यंत उच्चतम अवस्था। अभी तक हम लोग केवल ज्ञानी की बात करते हैं, अज्ञान और ज्ञान, श्री रामकृष्ण उसके ऊपर है विज्ञान की अवस्था। बौद्ध धर्म में भी, अभी अभी बौद्ध बुद्ध जयंती की, बौद्ध धर्म में भी महायान बुद्धिज्म, हीनयान और महायान दो प्रकार के वहाँ पर हैं। तो महायान बुद्धिज्म में वह कल्पना है बोधिसत्व की। बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व वह है जिसे निर्वाण मिलने का पूरा परवाना मिल गया, वो चाहे तो आज भी निर्वाण ले सकता है, आज भी निर्वाण ले सकता है, उस स्थिति तक पहुंच गया। पर वह कहता है जब तक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, मैं समस्त की मुक्ति चाहता हूं, एक साथ निर्वाण प्राप्त करना चाहता हूं। जब तक इस संसार में दुख नाम की वस्तु है, किसी की भी एक व्यक्ति को मैं अपना निर्वाण नहीं चाहता, जब सभी का निर्वाण हो जाएगा अंत में मैं निर्वाण लूंगा। उसका हृदय दूसरों के लिए इतना तड़पता है, वो खुद इतनी उस स्थिति तक पहुंच गया है कि वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, सभी दुखों से परे हो सकता है, और कहता नहीं मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद बोधिसत्व की कल्पना को बहुत पसंद करते थे, अपने शिष्यों को कहते थे, निवेदन कहते थे, बी लाइक ए बोधिसत्व, बोधिसत्व के समान बनो, निर्वाण की इच्छा का भी त्याग कर दो। और स्वामी विवेकानंद खुद ये बताते गए, हमने पिछली चर्चा में कहा किस प्रकार से स्वामी जी ने कहा वर्क अनटू डेथ, कार्य करो, कार्य करते करते मर जाओ, वर्क अनटू डेथ, आई एम विथ यू एंड व्हेन आई एम गॉन माय सोल विल वर्क विथ यू। कहते हैं काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, काम करो, और मैं मर जाऊंगा तो भी मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम कार्य करो। फिर एरिक हेमंड को उन्होंने कहा इंग्लैंड में जब थे, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी टू कास्ट इट ऑफ लाइक इट इज यूज गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज वर्क, आई
shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा जब तक इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसे उस दिव्यता का भाव नहीं हुआ, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। यह स्वामी विवेकानंद की वाणी। तो यह जो बोधिसत्व भी इसी प्रकार से कहता है, तो ये एक और कैटेगरी हुई विज्ञानी की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी वह दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करके उस दिव्य आनंद का भी त्याग कर दिया, और वह दुख सब लेता है अपने सिर पर दूसरों के दुख को दूर करने के लिए। ये उच्च चरण का अवस्था, ये बोधिसत्व की अवस्था, ये विज्ञानी की अवस्था, ये जीवन मुक्त भी हो गया। जीवन मुक्त होने के बावजूद ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई है, फिर भी इस संसार की देह में रह रहे हैं दूसरों के कल्याण के लिए। और स्वामी जी कहते हैं मरने के बाद मेरी आत्मा काम करती रहेगी, मैं एक सूक्ष्म रूप में कार्य करता रहूंगा, आई एम ए वॉइस विदाउट फॉर्म, मैं बिना आकार का आवाज हूँ, कार्य करता रहूंगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आज भी स्वामी जी कार्य कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहे हैं अपने पुस्तकों के द्वारा, विचारों के द्वारा, चारों काम कितने लोगों को वो प्रेरणा देते हैं, अद्भुत प्रेरणा देते हैं, काम कराते हैं। यह बात जो स्वामी जी ने मानो कहा था वह बात सच में है, मानो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा था मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज, मिस मेरी हेल्थ को पत्र में लिखा था अल्मोड़ा से 1897 में, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी टू कास्ट इट ऑफ दैट एबिशियस गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क, आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर अंटिल द वर्ल्ड शैल नो दैट इट इज वन विद गॉड। वो तो कहा था एरिक हेमन को, फिर कहा था मे आई बी बॉर्न, मिस मेरी हेल्थ को लिखा था मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज, so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races of all species, this is the special object of my worship. मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, क्यों? ताकि उस ईश्वर की उपासना कर सकूं जिस ईश्वर में मैं श्रद्धा रखता हूँ। कौन सा ईश्वर? समस्ती जीव का ईश्वर, अवश्य जीवों के समस्ती रूप ईश्वर, जितने जीव हैं उनको एक साथ मिला दे ऐसे जो बनता वही वो ईश्वर मेरा। खास करके जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, दुष्ट माय गॉड द विकेट, दुष्ट नारायण की मैं सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग जब जाते हैं जेल में कि भाई आज हम कैदी नारायण की सेवा किए हैं, अभी तक हम दरिद्र नारायण की सेवा करते थे, रोगी नारायण की सेवा करते थे, आज कैदी नारायण की सेवा करते हैं, दुष्ट नारायण की सेवा करते हैं, दुष्ट कोई भी नारायण है। स्वामी जी ने कहा आई वॉन्ट टू वर्शिप द गॉड विकेट गॉड, माई गॉड द विकेट ऑफ सूर्य, my God, the poor of all races of all species is a special object of worship. तो यह कर्म योग, यह कर्म कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जिस कर्म योग की बात करते हैं वह मानव मुक्ति प्राप्त करने के बाद की कर्म। तुम आत्मनो मोक्षार्थम जगदीश, यह उन्होंने कहा, उन्होंने मंत्र दिया। तो ये आत्मनो मोक्षार्थम क्यों? ताकि ये आत्मनो मोक्षार्थम यह जगत हितायत के द्वारा संभव होगा, दूसरों की सेवा करते करते हमें आत्मनमोक्षार्थम होगा। पर जब आत्मनमोक्षार्थम हो गया उसके बाद फिर जगत हितायत प्रारंभ होगा फिर से, पर वो जगत हितायत रियल जगत हितायत करने के लिए पहले आत्मनमोक्षार्थम प्राप्त करना पड़ेगा, पर उसके बाद पर आत्मनमोक्षार्थम कैसे प्राप्त होगा? जगत हितायत, जगत इसका काम करते करते आत्मनमोक्ष, और जब आत्मा का मुक्ति होगी तब फिर से जगत हितायत। ये दोनों परिपूरक एक दूसरे के, इसलिए स्वामी विवेकानंद मंत्र दिया आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह जगत हित। तो इसीलिए कहते हैं ये स नित्य सन्यासी योन दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, महाबाहो, हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष न
न महिला किसी दृष्टि द्वेष करता है, न कांक्षती न तो आकांक्षा करता है। सह वह नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ज्ञेय समन्वय योग्य है ही, क्योंकि निर्द्वंद्व राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ वह व्यक्ति सुखम सुख पूर्वक बंधात संसार बंधन से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी, वो तो सदा सन्यासी समन्वय योग है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ वह व्यक्ति सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सो ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो यह भले उसने सन्यास नहीं लिया हो, परंतु यदि उसके जीवन में यह द्वेष नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, तो उसे सन्यासी समझना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जो हमने कहा था उनका क्रांतिकारी रूप दिखता है, श्री कृष्ण भगवान क्रांतिकारी है। वे कहते बाहर का वेश कुछ नहीं है, बाहर का वेश तो कोई भी 2 पैसे का रंग मिलता है, हरिद्वार में जाओ कितना रंग मिलता है, हरिद्वार रंग लगा लिया हो गया गेरुआ कपड़ा सन्यासी हो गए। तो कपड़े रंगाने से सन्यासी नहीं बनता, मन को रंगना पड़ेगा, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते क्या मन रंगा है तो तुम सन्यासी हो, चाहे बाहर से कैसा भी वस्त्र किया हो, बाहर का वस्त्र ज्यादा महत्व का नहीं है, मुख्य बात है मन में यदि द्वेष और राग है तो भले गेरुआ पहन लिया भगवा पहन लिया तो भी सन्यासी नहीं बने, और यदि मन रंगा गया है तो बाहर कौन सा कपड़ा पहना है ज्यादा महत्व का नहीं है, मुख्य बात है मन को रंगाना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ये जो कर्मयोगी है वो मन से रंगा गया है, भले कर्म का त्याग उसने नहीं किया बाहर से, कर्म करता है, परंतु कर्म त्याग ही उसका कर्म त्याग के समान ही उसको मानना चाहिए, वो सन्यासी से कम नहीं है, भले वो कर्म कर रहा हो बाहर से लगता है कि अरे ये तो घोर कर्म कर रहा है, कई लोग को बाहर समझ में नहीं आता तो ये लोग क्या सन्यासी है, जो बाहर के कुछ लोग सन्यासी अभी भी करोड़ों सन्यासी ऐसे हैं हमारे देश में जो आज भी ज्ञान कर्म समुच्चय में नहीं मानते कि ज्ञान और कर्म कैसे एक साथ रह सकता है। जब तक आपने कर्म का त्याग नहीं किया तब तक आपको जब सन्यास ले लिया, जब सन्यास का मतलब ये होता है सम्यक रूपे न्यास, समस्त का त्याग, जब घर का त्याग कर दिया, परिवार जनों का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, तो सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। अरे ये तो आप क्या त्यागी हैं, तो चकरा जाते हो लोग, ये राहत कार्य उधर हॉस्पिटल चल रही है, उधर ऑफिस में काम कर रहे हैं, उधर ये काम कर रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद क्रांतिकारी थे, उन्होंने यह जो अर्थ है श्री कृष्ण भगवान का वह अर्थ लिया। नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है जो समाज में रहता हुआ समाज की सेवा करता हुआ भी राग द्वेष रहित होकर के वो सब कर्म करता है, बाहर से ऐसा लगता है कि मानो संसार में है, बाहर से लगता है कि मानो समाज में है, बाहर से लगता है कि इतने सारे काम कर रहा है, परंतु वह सच्चा सन्यासी क्यों, भीतर से उसने आसक्ति नहीं है। तो भीतर की आसक्ति नहीं रहना, भीतर में राग द्वेष नहीं रहना, यही मन को रंगाना, यह मानो यहाँ पर अभिप्रेत वो अर्थ है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन कि यह जो तूने प्रश्न किया था कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो तुझे मैं कहता हूँ मेरे लिए कर्मयोग अच्छा है, कर्म त्याग नहीं, और यदि तू सचमुच में कर्मयोग ठीक से कर लेगा तो फिर बाहर का तुझे द्वेष करने की जरूरत है, तू सन्यासी समझ ले अपने आप को, तू तो सन्यासी हो गया, यदि सच्चा कर्मयोगी बन जाएगा तो कर्म त्याग और कर्म सन्यास में कोई अंतर नहीं है, जिस स्थिति में वह पहुंचा उस स्थिति में तू पहुंच जाएगा, क्यों राग और द्वेष तेरे जीवन में से निकल जाएंगे। और फिर बहुत ही महत्व का श्लोक आता है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्याश्रिता सम्यक
उभयोर विन्दते फलम। क्या सुंदर शब्द बताया, सांख योग, सांख योग, सांख्य और योग, संन्यास सांख्य और योग। बाला श्री कृष्ण भगवान व्यंग में कहते हैं बाला बच्चे, जो ऐसा कहते हैं सांख और योग दोनों अलग अलग है, ये लोग बच्चे हैं, मूर्ख बेवकूफ है। बाला लोग कहते हैं ना, क्या बच्चे के समान बात करते हैं, बाला अरे इमेच्योर। ऐसे श्री कृष्ण भगवान उनके उपहास करते हुए कहते हैं तो बाला जो ऐसा कहते हैं, नहीं ये दोनों अलग अलग हैं, और सांख्य अलग है योग अलग है, और हमको केवल सांख्य ही लेना चाहिए, योग माने कर्म योग में नहीं जाना चाहिए, कर्म से तो बंधन आएगा, ऐसा कहते हैं तो मूर्ख बेवकूफ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मूर्ख जो कहते हैं कि कर्म के जो कर्म योग कर रहे हैं ये लोग अपने पद से च्युत हो गए, ऐसा कुछ बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, कर्म नहीं करना चाहिए, सच्चे सन्यासी कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं जो ऐसा बोलते हैं ये लोग मूर्ख। सांख्य योग पृथक बाला, सांख्य और योग ये अलग अलग है, ऐसा जो लोग बोलते हैं वो लोग मूर्ख है, एकदम मूर्ख बाला जो ऐसा कहते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग है। न पंडिता, पंडित जन जो सच्ची पंडित है जो असली ज्ञानी है कभी इस प्रकार का भेद नहीं करेंगे, जो भेद करते हैं ये लोग बाला ये लोग अज्ञानी। एकम अपि सम्यक, एक में भी सम्यक आदि अच्छी प्रकार से हुआ व्यक्ति उभयो फलम विन्दते, दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त होता है। यह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पंडित जन हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि दोनों अलग अलग हैं, मूर्ख लोग ही ऐसा बोलेंगे कि सांख्य अलग है और योग अलग है, और इसलिए सांख्य को लेना चाहिए, योग को दूर कर देना चाहिए, कर्म योग नहीं करना चाहिए, ऐसा यदि कोई कहता है, क्यों ये दोनों बाला है ये मूर्ख है, क्यों दोनों के दोनों को फल तो एक ही मिलता है, वो कौन सा फल, परम फल है परमात्मा को प्राप्त करना, उस स्थिति को प्राप्त करना जहाँ राग और द्वेष नहीं रहते, वह जो परम संन्यास की स्थिति वो कर्मयोग के द्वारा भी हो सकती है। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, माँ शारदा देवी के शिष्य थे। तो हम लोगों को जैसा कि आप लोग मालूम कि जो लोग यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनना चाहते हैं पहले 10 साल की ट्रेनिंग होती है, 10 साल ट्रेनिंग में रहना पड़े, उस समय सारे सफेद वस्त्रों में रहते हैं, 10 साल के बाद फिर सन्यास दीक्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि पद अत्यंत कठिन है, 10 साल तक ट्रेनिंग हो गया तो कम से कम अच्छा जीवन बिताया, उसके बाद में भी कभी भी वो लोग वापस लौट सकते हैं, अधिकतर तो जिसको लौटना 1-2 साल में ही डिस्पेक्ट हो जाते हैं, फिर भी संन्यास की दीक्षा वो 10 साल बाद मिलती, तब तक ट्रेनिंग में रहते, उसमें से 2 साल जो हमारा बेलूर मठ में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पर पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ 100-150 ब्रह्मचारी एक साथ रहते हैं, उनकी क्लासेस होती है, प्रैक्टिकल क्लास थ्योरेटिकल क्लास सब कुछ होता है, परीक्षा भी होती है, पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट ही है, उसमें स्क्रिप्चर भी पढ़ाते हैं, उपनिषद गीता वगैरह पढ़ाते हैं, दूसरे धर्मों के कंपेरेटिव रिलीजन भी पढ़ाते हैं, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि वो ट्रेनिंग जो जो ट्रेनिंग हमारे लिए उपयोगी हो सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो वीरेश्वरानंद जी महाराज उनका एक नियम था कि साल में एक बार ये ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारियों को अलग से समय देते थे, लेक्चर नहीं, वो बैठे हैं सब ब्रह्मचारी बैठे और गपशप, जिसको जो प्रश्न पूछना हो पूछे, तो महाराज बड़े रिलैक्स मूड में रहते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। तब किसी एक ने
प्रश्न किया कि महाराज हम लोगों को कई हमारे वरिष्ठ सन्यासी ऐसा कहते हैं कि भाई इस प्रकार से तुम ये सब सेवा का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है करना चाहिए, परंतु जो जप ध्यान है, साधना जो गुरुदेव ने बताया है वो ज्यादा महत्व का है। जो जप ध्यान करना है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव ने जो बताया मंत्र का जाप करो, ध्यान करो, जप ध्यान उपासना ये ज्यादा महत्व का है। और ये जो कार्य कर रहे हो, कोई गौशाला में काम कर रहा है, गायों की सेवा कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में दर्दी की सेवा कर रहा है, कोई ऑफिस में है, ऑफिस में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में है, तो कोई राहत कार्य कर रहा है, रिलीफ वर्क कर रहा है, ये सब भी ठीक है करना चाहिए। और ज्यादा महत्व का है यह जप ध्यान उपासना की जाती, इस सब ज्यादा ध्यान देना चाहिए साधक अवस्था। तो स्वामी वीरेश्वर एकदम से बहुत उत्तेजित हो गए। कौन बोलता है बोलो, उसका नाम बोलो, अभी मैं उसको निकालता हूँ ऑर्डर से। एकदम गुस्सा हो गया, अब तू कौन नाम बोलेगा। फिर उन्होंने भगवान गीता के श्लोक का कह दिया, देखो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया इतने हजार साल पहले, उसी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दोनों को कभी अलग मत माना, दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। जो कुछ भी सेवा कार्य हो रहा है वह उपासना ही है। जो ऐसा कहता है कि यह सेवा का कार्य यह मानो, वो तो सेवा का कार्य तो करना पड़ेगा ना। सेवा कार्य क्यों किया जाता है, सब लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं। सेवा कार्य तो करना पड़ेगा ना, अभी तक हम लोगों ने सोसाइटी से हम लोगों ने लिया है बहुत साल तक, अभी सोसाइटी में दुख कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी वापस लौटा है, ठीक है, वो भी भावना ठीक है, वो असली भावना नहीं। दूसरा मुझे क्या कहते थे, 24 घंटा तो जब ध्यान नहीं होगा, अच्छा थोड़ा सा काम कर लिया तो मन ठीक रहेगा, खाली दिमाग शैतान का कारखाना, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, इसलिए ठीक है थोड़ा थोड़ा काम करो, पर वो काम के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपासना ही करनी पड़ेगी। यह जो ऐसा सोचते हैं, जो भेद करते हैं कि उपासना का समय तो हमारा वेल यूटिलाइज हुआ, बोले कितना कितना उपासना किया, बोले 2 घंटा उपासना किया, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा, फेल नहीं होगा। 24 घंटा उपासना करनी पड़ेगी, 1 भी सेकंड बिना उपासना के नहीं होना चाहिए। बाद में श्री कृष्ण भगवान भी इसे कहेंगे, सांस लेना सांस छोड़ना यह भी भगवान की उपासना, यह भी उपासना। 24 उपासना स्पिरिचुअल लाइफ इज 24 आवर बिजनेस। 24 घंटे का घंटा करेंगे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो बहुत शॉर्ट है। हम क्या सोचते हैं बस सुबह 1 घंटा जब ध्यान किया, शाम को 1/2 घंटा जब ध्यान किया, बहुत हो गया, नहीं। 24 घंटा जो ऐसा सोचता है, अरे आज का तो हमारा दिन बेकार गया, क्यों, अरे सुबह 1 घंटा जब ध्यान करने वाले 1/2 घंटा किया, शाम को 15 मिनट किया, सारा दिन वेस्ट किया। वो हॉस्पिटल में गए, वो अंदर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जल्दी आया था, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ये सब काम करने में ही हमारा सारा दिन निकल गया, आज का दिन हमारा व्यर्थ गया। जो ऐसा सोचता है उसका दिन सच में व्यर्थ गया। क्यों उसने ऐसा सोचा, पर यदि वो ऐसा सोचा वो भी उपासना, मैंने रोगी नारायण की सेवा की, पर उसके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए मैंने रोगी नारायण की सेवा की, यदि वो श्रद्धा है तो वह उपासना होगी। एकदम से तो नहीं होगा, हमको भाव लाना पड़ेगा। बस जब वीरेश्वर ने कहा कि कर्म ही पूजा है, तो हमारे तो सब ब्रह्मचारी लोग तो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, हाँ सब ग्रेजुएट पोस्टग्रेजुएट रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने फिर आर्गुमेंट शुरू किया, महाराज शिव ज्ञान से जीव सेवा बोलने से तो नहीं होगा, मन में भाव लाना तो कितना कठिन है, कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि हम शिव ज्ञान से जीव सेवा कर, हमको लगता है कि हम कार्य ही कर रहे हैं। हमारे ने तो तुरंत उत्तर दिया, और जब ध्यान करते हो मन भगवान में लग जाता है तुरंत, 1/2 घंटा ध्यान करते हो, कितनी देर भगवान का ध्यान होता है, कितनी बार और विचार आते हैं, शायद 30 मिनट में 5 मिनट भी भगवान का ध्यान नहीं आता, बाकी इधर उधर विचार आते हैं। तो क्या ध्यान छोड़ना पड़ेगा, नहीं, करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे करके, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता। उसी प्रकार से कर्म करते करते समय भी हम भूल जाते हैं ये भगवान का काम, फिर से याद करना पड़ेगा, फिर भूल गए फिर याद करना पड़ेगा, फिर भूल गए फिर याद, ये भी अभ्यास वो भी अभ्यास।
उसने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा महाराज इस प्रकार से कार्य करेंगे ना तो क्या होता है कि उसमें जब सफलता मिलती है तो फिर बहुत अहंकार आ जाता है, देखो कितना बड़ा रिलीफ पार्क किया और कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, कितने सारे बिल्डिंग बनाई, ये राज कार्य किया, ये सब लोग प्रशंसा करते हैं तो फिर हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए हमको काम नहीं करना चाहिए। तो महाराज ने कहा देखो जिसका अहंकार बढ़ना है वो तो वैसे ही बढ़ेगा, ये तो हमको रखना है कि हमको अहंकार ना है। और ये याद रखो मैंने इतने सारे हॉस्पिटल बनाई, मैंने इतनी सारी स्कूलें खोली, मैंने इतना सारा दूसरों की सेवा का काम किया, मैंने इतना अचीवमेंट किया, ये जो अहंकार है उससे भी ज्यादा खराब अहंकार ये है कि मैंने इन सब का त्याग कर दिया, मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, मैं कितना जब ध्यान करता हूँ, मैं सब लोगों से कितना आगे हूँ। ये बेचारे मूर्ख लोग अभी तक काम में पड़े हुए हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, सारा दिन हॉस्पिटल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कितना महान सन्यासी हूँ, कितना महान त्यागी हूँ, कितना जब ध्यान कर रहा हूँ, ये जो अहंकार है ये ज्यादा खराब है उस अहंकार के बदले कि मैंने इतना महान काम किया। ये दोनों अहंकार खराब है, तो अहंकार तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी पर कार्य करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ये कहते हम लोग जो कहें हम लोग कामचोर हैं, पर हम लोग कैसे कामचोर हैं, इंटेलिजेंट कामचोर, ऐसे कामचोर नहीं है। कुछ लोग रहते आलसी रहते पर बुद्धू रहते, वो बोल देते भाई हमसे काम नहीं होगा, हम लोग कहते हैं बुद्धिमान कामचोर, नहीं नहीं काम करना ठीक नहीं है जी, ये तो सब अज्ञान की अवस्था है, ज्ञान कर्म समुच्चय कभी नहीं हो सकता जी, अरे हम तो ज्ञानी हैं। ये बहुत देर है अभी भाई, अभी पहले काम करो। अर्जुन बोल रहा था मैं तो भिक्षा करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करूंगा, कान पकड़ के श्री कृष्ण चल पहले युद्ध कर, अभी वो स्थिति नहीं आई, सेवन स्टैंडर्ड पहले टेंथ पास कर, महाजन जयंती की पास कर बात कर रहा। तो कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर बात, इतना सुंदर शब्द कहते हैं सांख योगो पृथक बाला, जो ऐसा कहते सांख योग अलग है बाला, मूर्ख मूर्ख है बाला, बच्चे वो क्या जानेंगे, बच्चे लोग क्या जानेंगे, तो बच्चे हैं आध्यात्मिक जीवन में बच्चे हैं, जो ऐसा कहते हैं सांख योग अलग अलग, सांख मतलब ज्ञान की दिशा, योग मतलब कर्म योग, जो ज्ञान और कर्म योग में जो एक बुद्धि बोलते हैं कि नहीं ज्ञान योग बहुत महान है बड़ा है और कर्म योग निकृष्ट है, ये लोग मूर्ख हैं। दोनों अपने आप में महान है और दोनों उस परम सत्य तरफ ले जाएंगे, क्योंकि परम सत्य तरफ दोनों ले जाते हैं, इसलिए दोनों महान है। कोई ऐसा कहेगा नहीं ज्ञान योग ही अच्छा है, कर्मयोग नहीं करना चाहिए, कर्मयोग पर कम ध्यान देना चाहिए, कर्मयोग उनको बंधन में डालेगा, नहीं, तब वो मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, मूर्ख माला श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सांख्य को सांख्य भी बोलते हैं, सांख्य एक दर्शन है, सांख्य दर्शन जैसे अद्वैत एक दर्शन है, अद्वैतवाद द्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, ऐसे सांख्य सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति ये दो का भेद रहता है। तो ये सांख्य योग यहाँ पर सांख्य और योग का मतलब पतंजलि योग, ऐसा भी कुछ लोग लेते हैं, पर यदि इसके बाद वाले श्लोकों को हम देखेंगे उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं बैठता, कनेक्शन यहाँ पर यही बैठता है, संबंध यही रहता है कि ज्ञान सांख्य मतलब जो सांख्य योग द्वितीय है, सांख्य योग सांख्य मतलब वो सांख्य दर्शन नहीं है, ज्ञान की बात है। तो यह सांख्य और ज्ञान और योग माने कर्म योग, तो जो कर्म और ज्ञान में इस प्रकार से भेद बुद्धि रखते हैं, कैसे भेद बुद्धि रखने को, ये मूर्ख है, जो समझते हैं मूर्ख है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो इसमें यह दोनों को दोनों ही परम स्थिति में प्राप्त होते हैं, इसलिए यह सांख्य प्राप्त थे स्थानम तद्योगी गम्य थे एकम सांख्यम से योग, एकम सांख्यम से योगम च यह पश्यति स पश्यति, ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, जो पुरुष ज्ञान योग निष्काम कर्म योग को फल रूप से देखता है वही यथार्थ देखता है। फिर इसके बाद में एक और कारण बताएंगे क्यों हमें आधुनिक मानव के लिए यह
अद्भुत ये मानो हमारा सबका जो जीव का प्रतिनिधि क्यों हमें कर्म योग पर अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए अन्य योग की अपेक्षा, इसका हमें कारण बताएंगे। उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को नहीं उसके बाद वाले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त करते हैं।